बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुनाए जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का? और देखें, आज काफ़ी दिनों बाद मुझे टाइम लग ही गया कि मैं कोई वीडियो अपलोड कर दूं, कोई व्लॉग शेयर कर दूं आप लोगों के साथ पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ पे जो है पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो रही है मुझे व्लॉग बनाने में भी, और जो है इसको एडिट करना, वॉइस ओवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अरसल जो है यहाँ पे बहुत तंग करता है। अभी भी वो मेरे साथ है, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, अगर अच्छी होगी वॉइस ओवर तो अपलोड कर दूँगी। तो अभी हम ये पैकिंग किया है मैंने, तो हम अम्मी अबू की तरफ जा रहे हैं, मैं और हम, मतलब फैमिली पूरी। ये है आई थिंक एक डेढ़ हफ्ते पहले का व्लॉग है। मैंने यही सोचा था, मैंने कहा जाते साथ अम्मी की तरफ जाऊँगी, तो जाते साथ एक दो दिन में वीडियो अपलोड कर दूँगी। लेकिन इतनी देर हो गई कि बस मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। रोज़ बाज़ार जाना, शॉपिंग और इधर उधर, फिर ऊपर से अरसल इतना तंग करता है। तो बस मैंने सोचा आज थोड़ी कोशिश कर लूँ वॉइस ओवर करने की, तो देखें कामयाब होती है कि नहीं। तो अभी मैं जी ये मैं लेके आई थी फेस वॉश, ये बहुत अच्छा है, स्क्रब भी इसमें मिक्स है, यूमर से लेके आई थी। लेकिन आई थिंक ये जो है गर्मियों में अच्छा रहेगा ज़्यादा, क्योंकि इससे स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो फिर एक दो दिन मैंने यूज़ किया था, फिर मैं एक और न्यूट्रोजीना के लेके आई थी, तो फिर मैंने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो ये ज़्यादा ही ना जो है वो ड्राई कर देता फेस को। तो अभी बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं, और मैंने पानी जो है वो रॉड लगा दिया था, क्योंकि हम लोग विंटर्स में पहली दफ़ा आए हैं, तो इधर गीज़र वगैरह नहीं था, क्योंकि एक डेढ़ हफ्ता ही हुआ था हमें आए हुए, तो हम थोड़ा ठहर के लगवाएंगे। तो अभी हम रॉड से गुजारा करते हैं। तो अभी बस जी हम रेडी शेडी होके, नाश्ता हमने नहीं किया था, तो तैयार होके हम लोग आ गए हैं। ये इधर है अजवा बेकर्स हैं, इनके पास आए थे, क्योंकि जो मेरी सास है आंटी, वो कह रही थी कि मिठाई लेके जानी है अरसल, क्योंकि पहली दफ़ा जा रहा था, तो मिठाई उन्होंने भिजवानी थी, जो टोकरी होती है मिठाई की वो भेजी थी। और साथ फिर हमने अपने नाश्ते के लिए कुछ थोड़ा बहुत लिया था, सैंडविचेस वगैरह। तो ये बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं गाड़ी में और लड़ रहे हैं, इन दोनों का ये एक ही काम बस ना, लड़ते रहते हैं। अरसल कहता है मैंने ऋषा की चीज़ें लेनी है, और ऋषा अपनी चीज़ें देती नहीं है उसको, तो बस इनकी लड़ाइयाँ जो है ना वो चलती रहती है हर तरफ। तो अभी हम पापा इनके अंदर है, मैं अंदर से बस वो पसंद करके आ गई थी क्या लेना खाने पीने के लिए, तो फिर हम आगे गाड़ी में बैठ गए थे। और ये देखिए इसके बाल खींच रहा है ये ना, बस ऋषा के बालों के पीछे पड़ा होता है, और हाथ में पाँच छः बाल तो उसके आ ही जाते हैं हर दफ़ा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं इनके पापा का, तो मेरे हस्बैंड आते हैं, तो फिर हम जो है वो जाएंगे जेलम में अजवा बेकर्स। तो बहुत अच्छी इनकी मिठाई, रसगुल्ले जो इनके बहुत मज़े के होते हैं, तो ये आगे मेरे हस्बैंड लेके। तो ये हमने नाश्ता तो नहीं कह लिया, स्नैक्स वगैरह जो है वो लिए थे, क्योंकि 12 बज गए थे आई थिंक। तो बस ये अब हम जा रहे हैं लाहौर, तो और मैं रास्ते में क्लिप्स वगैरह बनाती रही थी, मैंने कहा चलो लाहौर जाके ना आराम से शेयर करूँगी क्लिप्स वगैरह आप लोगों के साथ, ब्लॉग अच्छा सा, शॉपिंग का भी हर चीज़। लेकिन आप यकीन करें, पाकिस्तान में एक तो व्लॉगिंग करना मुश्किल, और ऊपर से वीडियो अपलोड करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। लास्ट जो एक दो हफ्ते पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मुझे कोई 8-9 घंटे लग गए थे उसको अपलोड करने में, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। हम यहाँ पर उधर इटली में तो आई थिंक 10 मिनट में हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल। और अब ये हम आ गए रावी पे, तो बस जी हमारा घर आ गया है करीब तरीन, और इधर पहुँच गए तो फिर इतनी ट्रैफिक होती है इधर, मुझे तो इतने चक्कर आ रहे थे इधर, वैसे दिल ख़राब और वॉमिटिंग हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना रश था यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुँच के हमेशा ही ना बहुत ज़्यादा जो है वो ना स्लो हो जाती है, मतलब सफ़र जो है ना थोड़ा सा ही रह जाता है हमारे घर के घर का, लेकिन वो ना गुजरता ही नहीं है। तो बस अब हम इधर करीब ही आ गए हैं अपने घर के, तो फिर मैं आपको इसके बाद मिलूंगी अपने घर में। और सोचा तो मैंने यही था कि 5 मिनट का ही व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन व्लॉग बनाते बनाते फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अब देखें ये कितना टाइम लेता अपलोड होने में। तो अभी जी हम आ गए हैं अपनी अम्मी की तरफ, और आते साथ ही जो मेरा पहला, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा पहला जो काम था, मैंने हलवा पूड़ी खानी थी, क्योंकि मुझे बहुत मेरा दिल चाह रहा था हलवा पूड़ी लाहौर की खा। और बस डेली ऐसे ही होता है, कभी नान चने, कभी हलवा पूड़ी, कभी कुछ कभी कुछ। तो क्योंकि पाकिस्तान आके मैं कहती हूँ कि मैं हर चीज़ जो है ना वो खाऊँ, मतलब हर लाहौर की चीज़ मैं खा के जाऊँ। तो अभी मैं और अम्मी यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, और साथ हमने चाय भी रखी हुई थी, तो इसके बाद फिर चाय पीना जो है वो मस्ट हो जाता है। तो लाहौर में आके तो फिर बंदा घर की रोटी सालन खाए तो वो फिर दिल नहीं चाहता, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान आके फिर भी घर में ही खाना तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो लाहौर आके तो मुझे लगता है मैंने तवे वाली रोटी नहीं खाई अभी तक, कभी नान, कभी
कभी बर्गर, कभी ऐसी बस ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट रोज़ खा रही होती हूँ मैं तो। रोटी मुझे 2 हफ्ते हो गए मैंने रोटी नहीं खाई, तवे वाली मतलब नान ही खाती हूँ, या कभी बर्गर पिज़्ज़ा ऐसे ऑर्डर करा लेते हैं तो वो घर ही आ जाता है। तो ये अर्जल जो है इसको बस सीढ़ियाँ मिल गई यहाँ पे, तो ये कहता है मैं हर वक्त मैं सीढ़ियों पर जाता रहूँ, मैं इसके पीछे पीछे होती हूँ कि कभी ये गिर ना जाए। मैं ऊपर ज़्यादा इसको नहीं जाने देती, अभी अब्बू के साथ इसकी बहुत दोस्ती है, अब्बू के पास जाता है उनसे बातें शातें करके, फिर इसको किचन बहुत पसंद है तो किचन में बर्तन वर्तन छेड़ने वो आ जाता है। मम्मी के सारे जो देचकियों के ढक्कन है वो उसने सारे टेढ़े कर दिए, मम्मी कहती है मेरे सारे बर्तन अर्जल ने ख़राब कर दिए। और ये जी उससे भी एक दिन छोड़ के नेक्स्ट मॉर्निंग है इधर, मैंने आज मैं खाऊंगी नान चने तो अभी मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि लाहौर में बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही, तो जो चाय है वो तो ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव है इस पर बहुत अच्छी बन जाती है, जल्दी बन जाती है, लेकिन खाना वगैरह इस पर बहुत टाइम लगता है, तो वो बस फिर जल्दी रख लेते हैं क्योंकि बहुत ही कम गैस आ रही है इधर लाहौर में। आई थिंक दूसरी सिटीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लाहौर में बहुत कम गैस आ रही है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक स्टोव है मम्मी ने रखा हुआ है ये चाय वगैरह इस पे बहुत जल्दी बन जाती है, तो चाय हम उस पे बना लेते हैं, बाकी जो बस थोड़ा बहुत काम होता है वो दूसरे चूल्हे पे आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है। और अभी हम जी नाश्ता करेंगे नान चने का अर्सल और मैं, और ये अर्सल बाहर घूम फिर रहा है, खुला इसको मिल गया है, इधर तो इतना खुला नहीं है, मेरे उधर ससुराल है जिसकी दाद के है वहाँ पे ज़्यादा खुला है, तो वहाँ पे भी मौजें इसकी लगी होती है, यहाँ पे इसको ऊपर चढ़ने का शौक चढ़ा होता है, तो बस ये ऊपर अब ऊपर का बस मुआयना कर रहा है, और फिर इसके बाद इसको पानी में बैठने का बहुत शौक है, यहाँ पे अब विंटर्स हैं तो विंटर्स में ज़्यादा देर पानी में भी नहीं बिठा सकते, फिर गर्म पानी टब में डाल के इसको बिठा देते हैं उसमें, तो बस थोड़ा बहुत 10-15 मिनट बैठ के खेल के तो फिर मैं निकाल लेती हूँ उसको बाहर। जब हम आए थे तब तो इतनी नहीं थी सर्दी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ठंड हो रही है, तो अभी मैं बना रही थी शाम को बिरयानी, मेरी अम्मी कह रही थी मैंने तुम्हारे हाथ की बिरयानी खानी है, तो अभी बिरयानी और साथ ये देखिए मज़ेदार सी जलेबी, बहुत ही मज़े की जलेबी थी, आपकी सोच है जितनी मज़े की थी, गरम गरम और क्रिस्पी, और मुझे ऐसी जलेबी अच्छी लगती है, ठंडी जलेबी तो दिल नहीं चाहता खाने का, और मैं साथ साथ बिरयानी बना रही थी और साथ साथ मैंने ये सारी बिरयानी जो बिरयानी सारी जलेबी मैंने फिनिश की थी तो फिर और छोड़ने का दिल भी नहीं चाह रहा था, और क्योंकि गरम गरम थी और क्रिस्पी भी थी, तो बहुत टेस्टी जलेबी होती है यहाँ की गरम गरम, आपने कभी खाई हो तो मुझे बताइएगा, गरम जलेबी का अपना ही मज़ा है। तो साथ साथ बिरयानी बन रही है और साथ साथ मैं जो हूँ अपने चस्के पूरे कर रही हूँ और ये अदीशा ने पता नहीं क्या खाया था, पता नहीं योगर्ट है कि आइसक्रीम है, समझ नहीं आ रही क्या खाया था अदीशा ने, तो अभी जी बिरयानी हो रही है रेडी, और अर्जल जो है वो उसको मैंने सुलाया था क्योंकि वो नहीं मुझे काम करने देता कोई भी कहीं भी जो है ना, वो जब भी मैं काम करने के लिए उठती हूँ बेटाओं के साथ चिपक जाता आके, तो सोया था तो मैंने कहा फटाफट जो है वो मैं बिरयानी रेडी कर लूँ, लेकिन जो है वो गैस बहुत ही स्लो थी, बहुत मुश्किल से बनी थी, और जब आँच कम हो तो जो चावल है ना वो भी अच्छे नहीं बनते, मतलब जो ना वो टूट जाते हैं जब स्लो फ्लेम पे पके ना बॉयल हो राइस तो वो उसमें टूट जाता है, तो इतने जो है वो खिले खिले तो नहीं बने थे, लेकिन गुजारे लायक बन ही गए थे क्योंकि बहुत कम गैस थी, कम गैस में मुझे नहीं मज़ा आता खाना बनाने का, तो बस अभी तो इतना ही चल रहा है, जब ये मैंने बनाई तब तो फिर भी ठीक थी, लेकिन अब जो है इन दिनों में बहुत जैसे जैसे ठंड ज़्यादा हो रही है तो गैस का तो नामो निशान नहीं होता, और पानी गर्म करने के लिए भी मसला होता है, वो भी फिर हम इस पे इलेक्ट्रिक जो चूल्हा इस पे ही करते हैं, मेरी अम्मी सोच रही हैं सिलेंडर लाने का, लेकिन जहाँ यहाँ पे लोग बहुत डरते हैं सिलेंडर से कि सिलेंडर नहीं चलाना, हालांकि झेलम जो है वहाँ पे जो मेरे ससुराल है मेरे घर में वहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाहौर में लोग डरते हैं कहते हैं जी सिलेंडर नहीं चलाना भट जाएगा तो अभी बस ये हो गया है रेडी, अब इसमें थोड़ा सा मैंने योगर्ट डाला ताकि खट्टी सी बिरयानी बने और बस योगर्ट डाल के फिर उसके बाद मैं मसाला डालूंगी बिरयानी का पैकेट और इसको अच्छी तरह से भून के, क्योंकि दिन को अक्सर हम लोग बाहर ही होते हैं, शॉपिंग ही करनी होती है कपड़े वगैरह, और कपड़े भी मुझे बहुत मुश्किल हो रही है खरीदने में, अर्सल बहुत अभी भी ये देखे रो रहा है, सो के उठ के आ गया था तो बैठ के रो रहा है, तो मैं उसको लेंगे बाहर, तो बच्चों के साथ बाज़ार जाना बहुत मुश्किल, और इतना रश होता है बाज़ारों में, इतना रश होता है कि कुछ समझ नहीं आती, और उठा के इसको कपड़े वगैरह देखना अर्सल को तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, और अभी भी ये जो है ना वो तंग कर रहा है, मम्मी ने इसके हैंड वॉश करवाएँ तो यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी जो बहुत काली होती है तो हाथ बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो
तो जी अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, और बिरयानी भी तैयार हो गई और कोशिश भी मेरी कामयाब हो गई है वॉइस ओवर करने की। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अब देखें ये कितना टाइम लेती है वीडियो अपलोड करने में, नेक्स्ट बताऊँगी मैं कि कितना टाइम लगा। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।